मैनिफेस्टेशन हमें करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यूज़ करना है, पर क्या मैनिफेस्टेशन वर्क करती है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? पता नहीं, ट्राई कर लेते हैं, कोई टेक्निक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे केस में काम करता है कि नहीं। हे दालवीज, हाउ आर यू ऑल गाइज? ये सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, ये आप सबके माइंड में आती है, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो ये चीज़ तो आपके साथ होती है। पर क्या हमें बोलना चाहिए? क्या हम जब इसे बोलते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है, कोई असर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। सी, ये जो पूरा खेल है ना, आपके बिलीव सिस्टम का है। आप भली टेक्निक्स कर करके सोच लेते हैं कि वो होगा, लेकिन ये थॉट जो आपके माइंड में आता है ना, यार नहीं होगा, होगा कि नहीं, पता नहीं काम करेगा भी कि नहीं करेगा, ये सारी मैनिफेस्टेशन को एकदम खराब कर देता है और आपको गिफ्ट में नेगेटिविटी देता है। नेगेटिविटी आएगी तो भाई मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? अगर आपके अंदर भी ये थॉट आता है पूरे टाइम पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं काम करेगा कि नहीं, ट्राई कर लेती हूँ यार, होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बोलना, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आई नो आप अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं कर पाते हो, आपको लगता नहीं है चीज़ें होंगी। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, आपकी करंट सिचुएशन इतनी खराब है कि आप कुछ चेंजेस फील ही नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि इसको करना बंद कर लो और एक रिचुअल को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो, जो आई गेस मैंने 1st of January के वीडियो में भी आपको बोला था। दी करना क्या है आप हमें ये बताओ। अगर आप भी सिचुएशन में हो जहां आप भरोसा नहीं कर पाते हो, सब कुछ छोड़ दो और अपने मुंह से ये बोलना बंद कर दो कि चीजें काम नहीं करेंगी, वो करेंगी। करना क्या है? आराम से अपने घर पे एक मिरर होगा, उसके सामने खड़े हो जाओ। मिरर नहीं है, अपनी आईज क्लोज करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और बस एक ही चीज़ें बोलो, दैट इज़ मेरे लिए सब काम कर रहा है, मैनिफेस्टेशंस मेरे लिए बहुत इजी हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। अगर मिरर के सामने खड़े होकर बोल सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन अगर मिरर घर पे नहीं है तो आप बस कहीं पर भी शांति से जगह पर बैठ जाइए, कोई अपना फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट मंत्रा, फेवरेट सबलिमिनल सुन सकते हो और बस यही बोलो, मेरे लिए सब आसान है, मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग फॉर मी। से दिस टू योरसेल्फ 11 टाइम्स कम से कम आपको इसको बोलना है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो गए हो 11 टाइम्स, अगर मिरर के सामने नहीं हो, मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप बस अपनी आईज क्लोज करिए, अपने वो भगवान जिनको आप बहुत पूछते हैं, जिनकी आप बहुत पूजा करते हैं, उनकी पिक्चर अपने सामने लाइए और बोलिए, मेरे लिए सब आसान है, मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं। बेसिकली बिगनर्स ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी रिचुअल है अपना बिलीव सिस्टम बढ़ाने का। जब ये चीज़ें आप बोलते हो खुद ब खुद, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको लेने लग जाता है और मैनिफेस्टेशंस आपके लिए ईजी पड़ जाती है। तो अगर आप इस सिनारियो में हो, ये चीज़ आप फील कर रहे हो, इसको करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर बिलीव नहीं होगा कोई मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं करेंगी। राधे राधे।